गाइस तो वर्कआउट हो गया, वर्कआउट ठीक भी नहीं कह सकते क्योंकि यार पूरी पावर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अरबाज फिटनेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। गाइस तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैं पहुंच चुका था नागपुर, काफ़ी बेटर फील हो रहा है यार नागपुर पहुंच के। तो गाइस अभी मॉर्निंग के हो चुके हैं 8:30, अपना ब्रेकफास्ट हो रहा है रेडी, ओट्स और बॉयल एग की हैं यार 3, तो आराम से ब्रेकफास्ट करके उसके बाद जिम भी जाना है यार। देखते हैं अभी फ्रेंड को कॉल करना है, कंफर्म करना है कितने बजे जिम जाते हैं यार, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए जिम नहीं गया है, तो यार फुल मस्ती में जिम करनी है। तो चलो गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद आपसे एक ही बार मिलेंगे। गाइस तो ब्रेकफास्ट हो गया अपना, ब्रेकफास्ट करने के बाद यार क्योंकि देखो यार कितनी हालत ख़राब है यार अपने रूम की इस टाइम, क्योंकि अभी कपड़े धोए हैं यार आधे वगैरह, तो ये देख लो यार ये गाइस हमारे मैनेजर हैं यार, ये ड्रीम इलेवन के भाई हैं यार। बोलता हूँ यार मत लगाओ पैसे ड्रीम इलेवन पे, क्योंकि यार मैंने भी लगाए थे 1 साल पहले, IPL पे खेल रहा था यार, कोई बेनिफिट नहीं। हाँ लक होता है किसी का अच्छा तो हो जाता है, तो चलो यार इनकी अपनी मर्जी अब लगाएं यार। क्यों वसीम भाई मैं बोल रहा हूँ मत लगाओ यार, आराम से जिम करो बिंदास, डाइट में खर्चा करो यार। तो यार आज ये भी जिम के लिए रेडी है, पता नहीं अब जिम के टाइम पूछना पड़ेगा इनको क्या है। तो शॉप पे गया अपने ला लिया ब्राउन ब्रेड, क्योंकि डाइट 20 दिन से कम्प्लीट हुई नहीं यार अपनी, तो केले भी ले लिए हैं। आप वर्कआउट से पहले आधा घंटे पहले आराम से ब्राउन ब्रेड खाना है, पीनट बटर अपने पास पहले से ही है। तो चलो गाइस अब खाने का टाइम आ गया है, खाना खा के आपको फिर जिम के टाइम मिलेंगे। गाइस तो खाना वगैरह हो गया अपना, तो अभी करते हैं तैयारी यार जिम की, एक ही घंटा रह गया यार, 1:30 जाना हमने जिम। तो गाइस तो यार आज हो गया 3 दिन यहाँ पे नागपुर आया, परसों शाम को आया था, तो यार 3 दिन यार पूरा अच्छा नहीं लग रहा है यार, क्योंकि इतने दिन साथ रहे राजा भाई के साथ, जुबैर भाई के साथ, यार बहुत ज़्यादा याद आ रही है यार उनकी, बहुत मिस कर रहा हूँ यार। तो चलो गाइस देखते हैं यार, ज़िंदगी रहनी चाहिए, मिलेंगे उनसे फिर दोबारा कहीं बैंगलोर वगैरह ट्रिप लगाएंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रहनी चाहिए। तो गाइस चलते अब अपना सामान रेडी करते हैं जिम वगैरह का, प्रोटीन वगैरह रेडी, आराम से ब्राउन ब्रेड भी बनाने हैं यार। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे। गाइस तो अपनी डाइट होगी रेडी, पीनट बटर विद बनाना और ब्राउन ब्रेड, और ये रहे अपना यार प्री वर्कआउट साइकोटिक शेखर, तो अभी धो के रखा है समीर ने, पता नहीं धो के रखा था नहीं यार, बोल रहा था बहुत स्मेल आ रही थी। सो गाइस तो फाइनली यार आज काफ़ी दिन के बाद जिम आ चुका हूँ अभी, तो यार संकेत भाई भी पार्टनर है मेरे, तो उनको वेट कर रहा था यार रूम पे ही, कि नहीं तो वो तो आई नहीं यार, बोल रहे हैं चलो डायरेक्टली जिम में ही मिलते हैं, तो अभी मेरे से पहले पहुँचे हुए हैं। चलो गाइस चलते हैं अब जिम में। कहाँ पे है यार ये, तो गाइस आ चुके हैं यार ये मेरे जिम पार्टनर संकेत भाई। और भाई वर्कआउट किया इतने दिन? वर्कआउट नहीं, क्योंकि तुम नहीं थे ना, उसके बिना फिर वर्कआउट ही नहीं किया हमने। तो भाई ने यार आज 7 या 6 नवंबर को हमने वर्कआउट किया था साथ में लास्ट, तो उसके बाद आज 20-21 दिन हो गए, 20-22 1 मंथ हो गया, 1 मंथ हो गया शायद यार, 1 मंथ पूरा वेस्ट किया यार, इतनी मेहनत की थी अब 3 मंथ यार मार्च तक हार्ड वर्क करना पड़ेगा दोनों पे। और तुम्हारा हाल कैसा था वहाँ पे यार? आपको तो वीडियो में देखा ही होगा कैसा था, क्या है क्या सीन यार हर चीज़। मैं तो कब बोल रहा था यार कब यहाँ से निकलूँ, कब निकलूँ, नागपुर पहुँचना है वर्कआउट करना यार, वहाँ पे आपको पता है ट्रैक लाइफ को ना बहुत खज्जल। चलो गाइस अब करते हैं वर्कआउट स्टार्ट, तो वर्कआउट करने के बाद ही मिलेंगे आपसे। Thank you.
वाइज तो वर्कआउट हो गया, वर्कआउट ठीक भी नहीं कह सकते क्योंकि यार पूरी पावर ख़त्म हो गई है। लेकिन बाइक की पावर वैसी है, थोड़ी दास हुई इनकी भी यार, लेकिन मेरी तो पूरी टोटली ख़त्म हो गई यार, क्योंकि 10 kg का वेट भी ना बहुत टफ जा रहा था मुझे। क्यों भाई? हाँ ज़रूर ज़रूर। क्या लग रहा है कितने दिन में पावर आ जाएगी फिर यार बैग? बस दो दिन में। दो दिन में रिकवर हो जाएगा। सही है ना, डाइट पे डबल करनी पड़ेगी। ज़रूर ज़रूर। और बताओ फिर कैसा लगा वर्कआउट करके भाई इतने दिन? बहुत, आज 1 month बाद वर्कआउट हुआ, जो वो एक माइंड जो था वो आज पूरा क्लीन हो गया, क्योंकि वर्कआउट के बाद जो माइंड से तो बेटर फील होगा आपको जाके। बहुत ज़्यादा आज वही फील भी हो रहा है कि आज मसल को पम्प किया हमने। भाई मेरा तो कुछ नहीं हुआ यार। नहीं होगा क्योंकि वो 1 month का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया ना। अच्छा, इस वजह से तो वो थोड़ा थोड़ा पम्प होगा। और बताओ फिर। और ये मैं भाई के लिए गिफ्ट लेके आया था। क्या लेके आए? एक वॉच, क्योंकि भाई फिटनेस फ्रीक है तो इस वजह से मैं फिटनेस के लिए, थैंक यू तो भाई के लिए मैं वॉच लेके आया। मेरा भाई ने देखो वॉच लेके आए यार, दिल से थैंक यू बोल रहे हैं यार, थैंक यू भाई फिर से आ गए। चलो भाई, तो चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी अच्छी लगी यार भाई ने घड़ी जो गिफ्ट की यार, तो भाई को दिल से लव यू। तो चलो गाइस, अभी मतलब जिम से आ चुके हैं, तो फ्रेंड तो अभी चले गए बाहर यार, वो बोल रहे थे जिम जाना है बट वो गए नहीं यार, बोल रहे हैं 1-2 दिन के बाद ही जाएंगे, देखते हैं। तो अभी गए हुए बाहर, तो मैंने बोला यार अब आप जा रहे हो तो चलो मैं यहीं पर रूम पर ही हूँ, तो मेरे लिए लेके आना एग, क्योंकि यार अब वर्कआउट तो हो रहा है, हैवी डबल डाइट करनी है यार, क्योंकि यार काफ़ी मसल लॉस हो चुके हैं, तो पावर तो बिल्कुल टोटली ख़त्म हो गई यार। देखते हैं 1 हफ्ते तक वापस आ रहा है। देख लो गाइस, जिम पार्टनर है यार मेरा, इसने गिफ्ट की यार, देख सकते हो गाइस आप। इसको चेक करते हैं, इसका डाटा केबल, क्या सीन है यार इसका, हो गया यार ऑन, फायर बोल्ट, देख सकते हो गाइस यार बहुत अच्छी लगी यार मुझे कसम से, हर सिस्टम इसमें अवेलेबल है यार। गाइस टाइम हो गया 9:30, तो यार काफ़ी भूख लगी थी, लेकिन वसीम भाई बना रहे हैं यार राजमा की दाल, पिछले 2 घंटे से यार गैस पे ही है बेचारी, पता नहीं बनी या नहीं बनी। वसीम क्या चक्कर है यार? चक्कर ये है किस चीज़ का कम, मतलब कितना टाइम बनेगी अभी? नहीं दाल बनी बहुत, क्या इधर देख, मगर ये है कि दाल तो मस्त बनी, लेकिन क्या करें उसको और ज़्यादा मस्त बनाना है, थोड़ा तड़का छड़का। अभी कितना टाइम कितना हुआ इसको यार गैस? टाइम अभी लग जाएगा आई थिंक 20 minutes लेफ्ट। वाह, देखते हैं यार आपकी राजमा दाल में कितना मज़ा है, देखेंगे यार कितना टाइम, 2 घंटे हो गए कंटिन्यू चढ़ाए हुए, कितना हुआ लग जाएगा थोड़ा टाइम अगर यार। जिस टाइम मैं आया था जिम से उस टाइम तो चढ़ाई थी यार। यार जल्दी बन जाए यार, काफ़ी भूख लगी है, चावल भी नहीं बने अभी यार, कब बनाओगे कसम से यार, बहुत भूख लगी है गाइस देखो यार। तो चलो गाइस खाने के टाइम आपसे मिलेंगे। गाइस तो रात के बाद चुके हैं 11, खाना वगैरह खा लिया, काफ़ी लेट हो गया आज यार,
क्योंकि वसीम भाई ने राजमा की दाल बनाई थी, उसको बहुत टाइम लगा यार, कम से कम 2 घंटे या 2-2.5 घंटे लग गए। तो उसके बाद समीर ने बनाए चावल आराम से, फिर खाए, खाने के बाद यार अभी आए बैठे। तो चलो गाइस, आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताना यार कि व्लॉग कैसा लगा। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।